दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसको रिचार्जेबल सिस्टम करने वाले हैं। देखिएगा दोस्तों, तो इसके अंदर हम बैटरी लगा लेंगे ताकि ये लाइफ टाइम तक चल सके। तो दोस्तों देखिएगा, इस प्रकार से ये ख़राब हो गया था, तो इसको हम सेल का झंझट ख़त्म करके इसके अंदर बैटरी लगाने वाले हैं। तो इसको खोल लेते हैं ताकि इसको हम लाइफ टाइम तक चला सकें। अब दोस्तों इनको ऐसे देख कर ऐसा लग रहा है जैसे कोई कबाड़े में से बीन कर ले रहे हैं। तो चलो अपने काम की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर हम रिचार्जेबल बैटरी लगा लेंगे, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों ये बैटरी है जो कि ये काफ़ी बहुत छोटी है, तो इसको हम कैंसिल कर देते हैं, इसकी जगह कोई और देख बैटरी देखते हैं रिचार्जेबल। तो दोस्तों ये काफ़ी टाइम तक नहीं चल पानी और ये कुछ ज़्यादा ही खाकर मोटी हो गई है बैटरी, तो इसकी जगह हम दूसरी लेने वाले हैं। तो ये आ गई हमारी बैटरी। तो दोस्तों इस बैटरी को हम लगाने वाले हैं, काफ़ी पतली भी और काफ़ी टाइम तक चलेगी और रिचार्जेबल भी है, तो इसको हम यूज करने वाले हैं। और दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे वीडियो देखने के लिए। और दोस्तों मैंने रिमोट पर इसलिए वीडियो बनाई है ताकि ये मुसीबत आपको भी झेलनी ना पड़े, तो इसको आप सेटअप कर सकते हैं घर पे आसानी से। और दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड किसी भी तरह की परेशानी हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, उसका सॉल्यूशन मैं निकाल दूँगा।